और इस वक्त जो खबर हमको मिल रही है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से, देश की सर्वोच्च अदालत से, कि आपको याद होगा कि जो मैच फिक्सिंग मामले में मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सट्टेबाजी में गुरुनाथ मैयप्पन शामिल है। मुदगल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जिसमें आईपीएल के दौरान हुए मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच की गई थी और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में जो जांच नतीजे निकले हैं उसमें गुरुनाथ मैयप्पन, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी हैं, उनको मैच फिक्सिंग में शामिल होने की बात कही गई है। और यह भी कहा गया है इस जांच रिपोर्ट में कि गुरुनाथ मैयप्पन जो जानकारी थी मैचों से जुड़ी वो सट्टेबाजों को दिया करते थे। साथ ही साथ आईपीएल में नीलामी पर रोक लगाने से भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये बड़ी मुसीबत भरी खबर, क्योंकि गुरुनाथ मैयप्पन जो कि सीएसके के अधिकारी हैं, उनके सीधे सीधे ना सिर्फ नाम आने की बात यहां कही गई है इस जांच रिपोर्ट में, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो टीम की सूचना पहुंचाया करते थे, सूचना जो कि मैच से जुड़ी जानकारी होती थी उसे लीक किया करते थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, मैयप्पन का नाम सीधे तौर पर इस जांच रिपोर्ट में लिया गया है, इसके अलावा और क्या क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है, क्या आप सारी डिटेल्स हमें बता सकते हैं? कृपया प्रतीक्षा कीजिए। विक्रांत, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हमारे संवाददाता विक्रांत गुप्ता से हम इस वक्त फिलहाल बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें गुरुनाथ मैयप्पन का सीधे सीधे नाम लिया गया है और ये कहा गया है कि वो टीम से जुड़ी जानकारी लीक किया करते थे। बड़ी खबर इस वक्त की और इसी खबर पर हम वापस लौटने वाले हैं, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।